हेलो गाइस, मेरा नाम सिराज खान है और मैं इंडियन कॉकटेल एकेडमी से हूँ। आज फिर से मैंने आप लोगों के लिए एक बढ़िया सा रेसिपी लेके आया है। क्लासिक है और वर्ल्ड पॉपुलर रेसिपी है, लेमन मिंट आइस टी। नॉर्मली लेमन आइस टी होता है, मैंने उसमें मिंट ऐड करके बनाया है और बड़ा लोग पसंद करते हैं। और मैं जितनी भी सारी ड्रिंक्स है और जितनी भी सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहा हूँ, वो सारी रेसिपी जो मेरे कैफ़े एंड रेस्टोरेंट एंड क्लब में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, मैं वही रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो चलो अपन फिर से एक बढ़िया सा रेसिपी बनाने का तरीका और उसके टेस्ट के बारे में जानते हैं और समझते हैं। ओके चलिए, तो हम लोग को इसके लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा। एक तो मिंट, लेमन, आइस, देन शुगर, बस इतनी सारी चीजें। चलिए बनाते हैं। थोड़ा सा लेमन को दो तीन स्लाइस में काट देते हैं ताकि हमको इसे गार्निशिंग करने के लिए आसान हो जाए। मैंने लेमन चंक्स दो डाला है, थोड़ी सी मिंट। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडल कर देंगे। मॉडल करने के बाद हम लोग लेमन का टेस्ट इसमें आना चाहिए। हम लोगों ने 30 ml के अराउंड लेमन जूस ऐड कर दिए। इसमें शुगर तो रहता नहीं, हमको थोड़ा सा शुगर सिरप भी 30 ml के अराउंड यूज़ करना है। हमने शुगर सिरप भी ऐड कर दी, मीन के 1 से 2 ड्रॉप सिर्फ, बस यहाँ तक एक क्लियर हो गया। हम इसमें थोड़ा सा ट्यूब ऐड कर देते हैं, इसमें थोड़ा चाय बना के रखे हैं। वाटर की बॉटल है, हम लोगों ने इसमें चाय बना के रखे हैं। हम लोगों ने थोड़ा सा चाय डाल देते हैं। नॉर्मली जो टी होती है ना, ब्लैक टी, सेम उसी से ही बनती है। अब हम इसको थोड़ा सेक कर देते हैं, थोड़ी सी हार्ड सेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा आइस क्यूब ऐड कर देते हैं। क्रेप्ड आइस यूज कर लेते हैं, हल्का सा क्रेप्ड आइस। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, अगर आप लोग इसको अगर बहुत अच्छी तरह से अगर बनाना चाहेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही प्यारा बनेगा। तो उसके लिए हमको एक लेमन काटना पड़ेगा। एक बढ़िया सा लेमन की स्लाइस हम लोग इसमें गार्निशिंग के लिए यूज कर लेंगे। हल्का सा ये हम लोग का बन गया, ये अभी हम लोग का बन गया मिंट लेमन आइस टी। अब देखिए मिंट लेमन आइस टी ये आपके कैमरे तक आपको शो करा रहा हूँ, आप इसको प्रॉपर देख लीजिएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 चीज़ हम लोगों ने यूज़ करते हैं। एक तो आपका मिंट, मिंट बहुत अच्छा टेस्ट देता है, इसमें 100% आप मिंट यूज करिए। मिंट, शुगर सिरप, लेमन जूस एंड आइस, देन नॉर्मली ब्लैक टी आप इसको डालिए, सेक करिए। जब ब्लैक टी बनाते समय में आप थोड़ा सा उसमें, जब ब्लैक टी बन जाता है हल्का सा मतलब गर्म रहता है, उसमें 2-4 मिंट के लीफ ऐड कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, फ्रीजर कर दीजिए, बढ़िया सा ठहरा रहेगा। जब आपका मन करेगा तब आप लेके लेमन आइस टी या मिंट लेमन आइस टी जरूर बनाइएगा। ओके, तो फिर हम लोगों ने इसी तरह का बार बार नए नए अलग अलग चीज़ों के रेसिपी के ऊपर हम आपको वीडियो 100% शेयर करेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। बट आपको भी एक वादा करना पड़ेगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करो।